हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप चिकन खुरमा किस तरह बना सकते हैं। तो इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स चाहिए 250 ग्राम्स ऑफ चिकन, आलू छोटे 4 से 5 आलू, दालचीनी करीब 3 स्टिक्स छोटी, 2 लौंग और 2 इलायची, 1 कप ऑनियन, 2 हरी मिर्च, 3 से 4 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, पुदीना हरा धनिया 1 कप कटा हुआ, हल्दी और मिर्ची पाउडर, ये कोकोनट पेस्ट जिसमें मैंने एक छोटा सा अनियन डाल के इसका पेस्ट बना लिया है, 1 कप टमाटो प्यूरी, 1 टमाटो छोटा कटा हुआ, और ये है कसूरी मेथी जो मैंने पानी में भिगा के रख लिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो पहले कुकर में आप ऑयल ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच, और जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें हम डाल देंगे अपना गरम मसाला, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कटे हुए अनियंस और हरी मिर्च। हाई फ्लेम रख लें, इसको अच्छे से फ्राई कीजिए। जैसे ही ऑनियन सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। अभी ये अनियन सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेते हैं। फ्लेम हाई कर लें और इसको अच्छे से पकने दें। इसको इस तरह पकाएं कि इसमें से इसकी रॉ स्मेल निकल जाए अदरक लहसुन की। जैसे ही हम उसमें चिकन ऐड करेंगे इसके साथ साथ हम हल्दी भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए हाई फ्लेम पर करीब 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे न कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। फ्लेम को कम कर लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना भीगा हुआ कसूरी मेथी, इसको पानी से निकाल लें फिर डालें। फ्लेम मीडियम कर लें
और चिकन में डाले हुए हरा धनिया, पुदीना और कसूरी मेथी को अच्छे से मिक्स कर लें। इसको अच्छे से छिलाइए। अब इसमें हम डालते हैं अपना लाल मिर्च पाउडर। अब जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से डाल लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए टमाटर। फ्लेम मीडियम रखिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। जैसे ही आप इसमें टमाटर डालेंगे तो ये अपना तेल छोड़ने लगेगा। देख सकते हैं, मिक्स कीजिए। जितना अच्छे से ये चिकन इसमें पकेगा इस मसाले में, आपका कोरमा उतना ही टेस्टी होगा। अब इसमें हम डालेंगे अपना टोमेटो प्यूरी। इसको मिक्स करने के बाद करीब 5 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे मीडियम फ्लेम में। अब ये पक रहा है, हम इसमें नमक डालेंगे। फ्लेम हाई रख लें। देखिए किस तरह से मसाले में पक रहा है। अब हम इसमें कोकोनट और अनियन का पेस्ट ऐड करते हैं। इसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद इसे ढक कर रख दीजिए करीब 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम इसमें ये पोटैटोज ऐड करेंगे और फिर पानी जितना चाहिए ज़रूरत अनुसार हम ऐड कर लेंगे। जब आप कोकोनट में अनियन डालकर पीसते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी ग्रेवी थिक होती है। तो आप इसको ढक कर रख दीजिए। अब ये पक गया है, इसमें हम अपने पोटैटोज ऐड कर लेंगे। इसको पकने दीजिए, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर करीब 5 मिनट के लिए इसको पकाइए। सॉरी, बॉईल हो रहा है, हम इसको विसल लगा के रख देते हैं
4 to 5 विजल्स, तो आपका चिकन कुरमा रेडी हो जाएगा। मैंने विसल लगा दिया है, हाई फ्लेम में रखते हैं। जैसे ही 4 विजल्स आ जाए आप इसको ऑफ कर दीजिए और इसको अपने राइस के साथ या चपाती के साथ किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये हमारा चिकन कुरमा पककर तैयार है। एंजॉय इट एंड प्लीज़, अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।